हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है कि आप सभी को गोभी मंचूरियन बहुत पसंद है, तो चलिए आज सीखते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी मंचूरियन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम गोभी मंचूरियन का बैटर बना लेते हैं। एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे मैदा, फिर इसमें ऐड करेंगे राइस फ्लोर। हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बहुत जगहों पे कॉर्नफ्लोर नहीं मिलता है। अब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब इसमें डालेंगे चिली पाउडर। मैं यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जिससे गोभी मंचूरियन का कलर बढ़िया सा लाल आएगा और हमें कोई आर्टिफिशियल फूड कलर यूज़ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते हुए जाएंगे और मिक्स करते हुए जाएंगे। इस रेसिपी में यूज़ किए हुए सारे इंग्रेडिएंट्स के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, इससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चंस है या फिर कोई रेसिपी रिक्वेस्ट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इधर देखिए, बैटर एकदम रेडी हो गया है। ये ज़्यादा रनी भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अब इसमें गोभी को डाल लेते हैं। इन गोभी को मैंने काट के अच्छे से नमक के पानी में धो लिया था। ध्यान रखिए गोभी के टुकड़ों में ज़्यादा स्टेम का पार्ट ना डालें। आप इसे पहले 5 मिनट के लिए ब्लांच करके भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये स्टेप ऑप्शनल है। चलिए इसे अब बैटर में डाल लेते हैं। एक स्पून लेके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अगर आपने मेरे बताए हुए सारे स्टेप्स को हूबहू फॉलो कर लिया तब आपकी बनाई हुई रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लगेगी। इसे हम 10 मिनट के लिए साइड पर रखते हैं, इससे सारे फ्लेवर अच्छे से निखर के आएंगे। अब फ्राइंग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ाते हैं मीडियम हीट पे। इस तेल को हमें बहुत ही गर्म करना है जिससे कि हमारी गोभी अच्छे से क्रिस्पी बनेगी। चलिए तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें एक एक करके गोभी के पीसेस डालते हुए जाएंगे। बीच बीच में थोड़ा गैप दीजिए ताकि ये चिपके ना। बीच बीच में करछी लेकर आप इसको हिलाते रहिए ताकि सारे साइड अच्छे से पक जाए। इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि गोभी का कलर लाल हो जाए। इसमें लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे। चलिए गोभी यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। आपको यहाँ पर सावधानी से काम करना है क्योंकि तेल यहाँ पर बहुत गर्म है। अगर आप इससे ज़्यादा गोभी यूज़ कर रहे हैं और आपका पैन थोड़ा छोटा है तो आप उसको बैचेस में फ्राई कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया रंग है। इन फ्राइड गोभीज़ को हम साइड पर रख लेंगे। अब चलिए मंचूरियन का सॉस बना लेते हैं। सबसे पहले एक पैन को मीडियम हीट पर रखेंगे, जिसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल। यहाँ पर मैंने करीब 2 चम्मच तेल लिया है। इसको हमें अच्छे से गर्म करना है। फिर इसमें जाएगा चॉप किया हुआ गार्लिक, उसके बाद चॉप किए हुए अनियन। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें ऑनियन और गार्लिक को ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें बस लाइटली सॉटे करना है। अब इसमें डालेंगे चॉप किए हुए ग्रीन चिलीज। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं तो ग्रीन चिलीज को अवॉइड भी कर सकते हैं। इन सबको मिक्स कर लेते हैं और करीब 2 मिनट के लिए इनको पका लेते हैं। उसके बाद इसमें एक के बाद एक सॉस डालेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा रेड चिली सॉस, उसके बाद ग्रीन चिली सॉस और यहाँ पर डालेंगे सोया सॉस, उसके बाद टोमेटो केचप।
इन सारे इंग्रेडिएंट्स के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब इन सारे सॉस को हम मिक्स कर लेते हैं करीब एक मिनट के लिए। गैस का फ्लेम अभी हाई करते हैं और इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए गोभी। अब इन गोभी के पीसेस को सॉस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखिए, गोभी को आपको ज़्यादा नहीं पकाना है और इसको हाई फ्लेम पे ही हमें टॉस करना है। इससे क्या होगा कि गोभी सौगे नहीं बनेंगे। यहाँ पर गैस ऑफ कर देते हैं। अब इसमें जाएगा कटा हुआ हरा धनिया। चलिए अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया सा रंग आया है। देखिए यहाँ पर गोभी मंचूरियन रेडी है। आप चाहे तो इस पे स्प्रिंग ऑनियंस भी काट के डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर श्रेडेड कैबेज यूज कर रही हूँ गार्निशिंग करने के लिए। लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।